हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेनरी। हॉर्टिकल्चर के 22nd पार्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 50 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बर्न लाइनर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग ICAR JRF एग्जाम के लिए, ICAR SRF एग्जाम के लिए इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके साथ साथ ये जो वीडियो है इक्वली इम्पोर्टेंट है IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए, आपके जो स्टेट का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ADH यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर का एग्जाम होता है, FCI नवार्ड के एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंसिया ब्रेनरी, स्पेशली जो ICAR JRF और SRF का एग्जाम है अभी 20th of September को, उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। ओके, तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द FHIA-01, जिसको कि हम FIA-01, जिसको कि हम गोल्ड फिंगर बनाना के नाम से भी जानते हैं। तो जो गोल्ड फिंगर बनाना है वो क्या है, दैट इज ए टेट्राप्लॉइड है। तो उसका जीनोम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, AAAB AAAB, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखना कि जो गोल्ड फिंगर है टेट्राप्लॉइड है नेचर में, और उसका जो आपकी जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन है डेट इज AAAB। तो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और आपके पिछले JRF SRF के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो गोल्ड फिंगर बनाना है जो कि FHIA-01 है, टेट्राप्लॉइड है AAAB जीनोम है, एक्चुअल में डेट इज द हाइब्रिड ऑफ द कल्टीवार मूसा अकुमिनेटा एंड मूसा बाल्बिसियाना का हाइब्रिड है, ठीक है। तो जो मूसा बाल्बिसियाना की कौन सी वैरायटी है, प्रेटा एना, जो कि ट्रिप्लोइड है नेचर। मूसा बाल्बिसियाना की जो प्रेटा एना कल्टीवार है डेट इज ट्रिप्लोइड इन नेचर, राइट। तो डेट इज AAAB जीनोम है उसका, और ये जो प्रेटा एना है डेट इज ए नेचुरली अकरिंग ट्रिप्लोइड क्लोन है फ्रॉम द ब्राजील। ओके, तो जो गोल्ड फिंगर बनाना है टेट्राप्लॉइड है नेचर में, AAAB जीनोम है उसका, और एक्चुअल में जो गोल्ड फिंगर बनाना है टेट्राप्लॉइड है वो हाइब्रिड है ऑफ द कल्टीवार मूसा कोमिनेटा एंड मूसा बाल्बिसियाना का। मूसा बाल्बिसियाना की जो प्रेटा एना कल्टीवार है जो कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, एक्चुअल में डेट इज नेचुरली अकरिंग ट्रिप्लॉइड क्लोन है ब्राजील में, ठीक है। एंड द कल्टीवार SH-3142, और अब ये जो SH-3142 जो कल्टीवार है ये कैसे डेवलप होता, इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन SH-1734 एंड मूसा अकुमिनेटा का डिप्लॉयड कल्टीवार, कौन सा, सियांग जेरी बुया, दैट इज फ्रॉम द पपुआ न्यू गुनिया से, राइट। ओके, अब सेकंड पॉइंट है हमारा द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रूट प्रोडक्ट कौन सा था, फ्लेवर सेवर टोमेटो था, राइट। तो दैट वॉज डीरेगुलेटेड इन 1992 एंड इंट्रोड्यूस्ड इन टू द मार्केट इन 1994 में। तो जो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रूट प्रोडक्ट था वो था आपका टोमेटो में, फ्लेवर सेवर कल्टीवार था, 1994 में इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द बाइली कल्टीवेटेड सनसेट पपाया, अभी जो सनसेट पपाया है डेट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विद ए जीन ड्राइड फ्रॉम ए हवाइन स्ट्रेन टू प्रोड्यूस द ट्रांसजेनिक पपाया सन अप, ठीक है। तो जो सनअप पपाया है जो कि एक ट्रांसजेनिक पपाया का कल्टीवार है, एक्चुअली ये जो सनअप पपाया है ये ट्रांसजेनिक वैरायटी पपाया की जो कि रेजिस्टेंट है पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए इन हवाई में। उस टाइम पपाया रिंग स्पॉट वायरस का बहुत ज्यादा अटैक था, ठीक है। तो इस अटैक को रोकने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए एक ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाएगी पपाया की, जिसका नाम था सनअप। और ये जो सनअप पपाया की वैरायटी है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है, ये कैसी बनाएगी, इसके लिए हमने क्या किया, जो सनसेट पपाया की वैरायटी थी जो कि बहुत ही पॉपुलर थी उस टाइम वहां पे, बट ये ससेप्टिबल थी पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए। तो इस वैरायटी में जो एक जीन इंट्रोग्रेस किया गया, ठीक है, कहां से, फ्रॉम ए हवाई स्ट्रेन से जो कि पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए रेजिस्टेंट था, ठीक है। तो जब सनसेट पपाया में ट्रांसजीन डाला गया और जो वैरायटी बन के आई ट्रांसजीनिक वैरायटी, उसका नाम रखा गया सनअप, जो कि पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए रेजिस्टेंट थी, राइट। अब ये जो सनअप पपाया है, ठीक है, डेट वॉज क्रॉस्ड विद, उसके बाद क्या किया, इस सनअप ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी को इसको क्रॉस किया गया किसके साथ, विथ कपोहो, जो कि एक नॉन इंजीनियर्ड कल्टीवार था पपाया का, किस चीज के लिए, टू अबटेन द येलो फ्लैश रेनबो पपाया, ठीक है।
तो एक रेनबो पपाया बनाया गया, रेनबो वैरायटी बनाई गई पपाया की, जिसकी की येलो फ्लैश थी, विच इज आल्सो रेजिस्टेंट टू योर पपाया रिंग स्पॉट वायरस। ओके नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा, करंटली देर आर थ्री कमर्शियल वराइटीज ऑफ आर्कटिक एप्पल। जो आर्कटिक एप्पल है उसकी करंटली देर आर तीन कमर्शियल वराइटीज है, कौन कौन सी है? आर्कटिक गोल्डन डेलिशियस, आर्कटिक ग्रैनी स्मिथ एंड आर्कटिक फूजी, राइट। नेक्स्ट इज, अब जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे जीनोमिक कंस्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कल्टीवार्स ऑफ बनाना। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि हमारे जो डिप्लोइड कल्टीवार है जिसका कि जीनोम क्या है, ए जीनोम है, तो वो कौन कौन से हैं? ये बहुत बार पूछता है बनाना में जो जीनोमिक कंस्टिट्यूशन है डिफरेंट कल्टीवार्स की। जैसे कि अगर हम बात करें डिप्लोइड की, डिप्लोइड में ए जीनोम किसका है? अनाइकोम्बन का, मैटी का, कदाली का, टोंगट का एंड पिसांगलिनिन का, राइट। उस तरह ए बी जीनोम, ए बी भी डिप्लोइड है बट ए बी है जीनोम, ठीक है। यहाँ पे ए जीनोम था, यहाँ पे ए बी जीनोम है। ए बी किसका है? जो नेप ओवन है, एक बहुत ही फेमस बनाना का कल्टीवार है नेप ओवन, जिसका जीनोम क्या है? ए बी है, डिप्लोइड है। इसको हम नेप ओवन को हम इलाकी बेल के नाम से भी जानते हैं। देन कुनैन, नाथू पोवन, राइट, थे कुनैन, अडाका कुनैन, तो ये सभी क्या है? डिप्लोइड है बट ए बी जीनोम है इसका, राइट। अब नेक्स्ट है ट्रिपल ए बी जीनोम, यानी कि ट्रिपलोइड है नेचर में बट जीनोम क्या है? ए ए बी। तो वो कौन कौन से हैं? पूवन है, रस्थली है, ठीक है, पंचानंदन है, काली नेंद्रा पदिता है, राजापुरी है, वीरूपक्षी है, सिरुमलाई है, नेंद्रन रजेली चिनेली, ये सभी क्या है? ट्रिपलोइड जीनोम इनका, ए ए बी। अब ट्रिपल ए जीनोम किसका है? ये भी ट्रिपलोइड है बट ट्रिपल ए जीनोम है, ड्वार्फ कैवेंडिश। ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है बनाना की और ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका जीनोमिक कंस्टिट्यूशन क्या है। तो जो ड्वार्फ कैवेंडिश है, इसका जो जीनोमिक कंस्टिट्यूशन है दैट इज ट्रिपल ए, इसको हम बसराई के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ड्वार्फ कैवेंडिश ट्रिपल ए जीनोम है। जाइंट कैवेंडिश रोबस्टा, ग्रॉस माइकल, ग्रैंड नेने, विलियम, राइट। तो इस तरह अमृत सागर, ये सभी जो है रेड बनाना, इनका ट्रिपल ए जीनोम है। नेक्स्ट इज ए डबल बी जीनोम किसका है? दैट इज नल्ला बोंथा, मंथन, राइट, पेयन, सुगंधि, ये सभी जो है आपके ए ट्रिपल बी, ए डबल बी जीनोम है इनका, ए बी बी, यानी कि ये भी ट्रिपलोइड है बट जीनोम है ए बी बी। नेक्स्ट इज टेट्राप्लोइड में, टेट्राप्लोइड में मतलब ए ए ए ए, तो ये जीनोम किसका है टेट्राप्लोइड में? दैट इज योर बोर्डलेस अल्टा फोर्ट एंड आई सी टू का। देन ए ट्रिपल बी जीनोम किसका है? दैट इज योर क्लू टेपरोड। देन ए ए बी बी जीनोम किसका है? दैट इज योर कैलामेगोल का है। देन ट्रिपल ए बी जीनोम किसका है? एटन का एंड गोल्ड फिंगर, जो कि हम बात कर रहे थे जिसको हम एफ एच आई ए के नाम से भी जानते हैं। तो गोल्ड फिंगर का ये भी इंपॉर्टेंट है, टेट्राप्लॉइड है बट जीनोम से कंस्टिट्यूशन क्या है? ट्रिपल ए बी। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सेवंथ पॉइंट, दैट इज अंडर द साउथ एंड सेंट्रल इंडियन कंडीशन, साउथ और सेंट्रल इंडिया में जो मैंडरिन है वो प्रोड्यूस करता है फ्लावरिंग तीन बार एक साल में। कब कब? एक फेब मंथ में जिसको हम बोलते हैं अंबे बहार, जून मंथ में जिसको हम बोलते हैं मृग बहार, और एक अक्टूबर मंथ में जिसको हम बोलते हैं हस्ता बहार। ऑफ विच मृग बहार इज प्रेफर्ड, जिसमें से कि जो मृग बहार फ्लावरिंग है वो प्रेफर की जाती है हमारे मैंडरिन में, राइट। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट है हमारा सी एम बी, यानी कि क्यूकुम्बर मोज़ेक वायरस, जो कि एक मेजर थ्रेट है किसके लिए? टोमेटो के लिए, स्वीट पेपर के लिए। एंड दस द टोमेटो लाइन पी के डैश टी एम 8805R एंड द स्वीट पेपर लाइन पी के डैश SP01 देवर डेवलप्ड, जो कि रेजिस्टेंट है फादर्स क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस के लिए। नाइन्थ पॉइंट हमारा लाइक सी एम बी, क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस की तरह ही जो जुकीनी येलो मोज़ेक वायरस है और वाटरमेलन मोज़ेक वायरस 2 है, ये दोनों जो है पोटी वायरस की कैटेगरी में आते हैं और दोनों जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं, इनका वेक्टर क्या है? एफिड। तो जुगेनी वाला मोज़ेक वायरस, क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस, वाटरमेलन मोज़ेक वायरस 2, इनका वेक्टर क्या है? एफिड। नेक्स्ट इज द एग प्लांट फ्रूट्स आर अनमार्केटेबल व्हेन इन्फेस्टेड विद एग प्लांट फ्रूट एंड शूट बोरर। तो एग प्लांट में जो फ्रूट एंड शूट बोरर है वो बहुत ही एक डिवास्टेटिंग इंसेक्ट है और उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? That is Lucinode orbonalis. इसके जो एक्चुअली लार्वे जो होते हैं वो फीड करते हैं शूट्स में और फ्रूट में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा द फ्रूट क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय द, इन एग प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें जो फ्रूट क्वालिटी होती है दैट इज अफेक्टेड बाय द
पीपीओ एक्टिविटी यानी कि पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज की एक्टिविटी जो होती है, जिससे कि एग प्लांट की फ्रूट क्वालिटी जो होती है वो डिग्रेड होती है। एक्चुअली उसमें होता क्या है, विच ऑक्सीडाइज करता है फिनोलिक कंपाउंड्स को एंड कॉज ग्रेजुअल ब्राउनिंग इन द फ्लैशी फ्रूट्स सच एज एप्पल। तो जो पीपीओ एक्टिविटी है उसकी वजह से आपकी ब्राउनिंग हो जाती है फ्रूट्स में, जैसे कि एप्पल हो गया राइट, आपका एग प्लांट हो गया राइट। और पीपीओ एक्टिविटी जो है, पीपीओज आर एक्टिवेटेड बाय, और ये जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो होते हैं ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, बाय एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, या रिजल्टिंग इन द ब्राउनिंग व्हेन फ्रूट्स आर डैमेज, जब फ्रूट्स को कोई भी डैमेज होती है तो फ्रूट्स जो होते हैं ब्राउनिंग हो जाती है ठीक है, या उनकी पीलिंग करें या कट करें राइट। एंड द आर्कटिक एप्पल कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय साइलेंसिंग ऑफ पीपीओ, और ये जो आर्कटिक एप्पल कंसेप्ट है एक्चुअली डेवलप ही कब हुआ था, जब हमने पीपीओ एक्टिविटी को साइलेंस किया था, जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एक्टिविटी है उसको साइलेंस करके ही आर्कटिक एप्पल का कंसेप्ट सामने आया था। नेक्स्ट इज इन 2005 द पिंक ग्लो, पिंक ग्लो क्या है, ट्रांजिनिक पाइनएप्पल वैरायटी है राइट। तो पाइनएप्पल की ट्रांजिनिक वैरायटी कौन सी है, पिंक ग्लो, कब डेवलप की गई, 2005 में, और किस पर्पज के लिए, इन विच द पिंक फ्लैश अक्यूमुलेट्स लाइकोपिन ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ कैरोटीनॉइड पाथवे। तो जो पिंक फ्लैश वैरायटी है पाइनएप्पल की, जिसमें कि लाइकोपिन कंटेंट अक्यूमुलेट होता है, और ये 2005 में डेवलप की गई थी, वैरायटी का नेम है पिंक ग्लो। नेक्स्ट पॉइंट है ZW20 एंड CZW2, ये दोनों क्या है, वायरस रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, ट्रांजिनिक वैरायटीज हैं, किसकी, स्क्वैश की ठीक है। और ये कैसे डेवलप की गई थी, बाय एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कोटिलेडंस फ्रॉम द एग प्लांट सीडलिंग्स दे वर यूज्ड एज द एक्स प्लांट ठीक है। जब एग प्लांट में आपका एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन की गई किस चीज की, बीटी क्राई जीन की, कौन सा जीन, बीटी क्राई 1AC जीन डाला गया ठीक है, किसमें, तो एक्सप्लांट कौन सा यूज किया गया था, एगप्लांट सीडलिंग जो है, कोटिलेडन जो है फ्रॉम द एगप्लांट सीडलिंग दे वर यूज्ड एज द एक्सप्लांट, और बीटी क्राई 1AC जीन डाला गया, और इसमें कौन सी ट्रांजिनिक वैरायटी डेवलप की गई, EE-1। नेक्स्ट पॉइंट इज हुआ फैन नंबर 1 टोमेटो, ये किसने डेवलप किया, बाय हुआ जोंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इट वॉज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रूट टू बी अप्रूव्ड फॉर द कल्टिवेशन, ह्यूमन कंजप्शन एंड यूज एज एनिमल फीड इन चाइना। तो चाइना में जो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रूट था वो था आपका हुआ फैन नंबर 1 टोमेटो कल्टीवार राइट, जो कि फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए और एनिमल फील्ड के लिए अप्रूव किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्यूक्यूरबिट येलो स्टंटिंग डिसऑर्डर वायरस, क्यूक्यूरबिट में ये जो येलो स्टंटिंग डिसऑर्डर वायरस है ये एक्चुअली एक क्लस्टरो वायरस की कैटेगरी में आता है, और ये जो वायरस है किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, इसका वेक्टर क्या है, व्हाइट फ्लाई यानी कि बेमेसिया टेविसाई। ये जो क्यूक्यूरबिट येलो स्टंटिंग डिसऑर्डर वायरस है ये सबसे पहले कब डिटेक्ट किया गया, इन 1982 में, कहाँ पे, इन द यूनाइटेड अरब एमीरेट्स में, एंड सिंस देन इट हैज बीन फाउंड इन स्पेन में, पोर्टुगल में, मोरक्को, लेबनान एंड नॉर्थ अमेरिका राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज डायोस्कोरिया बल्विफेरा, जिसको कि हम एरियल याम भी कहते हैं राइट, इट इज अ मेजर बल्विल प्रोड्यूसिंग स्पीसीज है याम की, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसीडरेबल बल्विल शेप डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है 18th, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुइनिया याम, जो गुइनिया याम है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो है व्हाइट गुइनिया याम जिसका नाम है डायोस्कोरिया रोटेंडाटा, और एक है आपका येलो गुइनिया याम जिसका नेम है डायोस्कोरिया केनेंसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन सबसे पहले कब डिस्कवर की गई थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय राइट ने कब, 1791 में, किसमें, इन द मेल लैम्ब में विच हैड शॉर्ट लेग्स राइट। तो सबसे पहले म्यूटेशन डिस्कवर की गई राइट के द्वारा 1791 में इन द मेल लैम्ब में, जिसमें कि शॉर्ट लेग्स थी ओके। लेटर ऑन उसके बाद म्यूटेशन वॉज आल्सो रिपोर्टेड बाय हुगो डी वरिज ने इन 1900 में, किसमें, ओइनोथेरा में। देन मॉर्गन ने रिपोर्ट किया 1910 में, किसमें, ड्रोसोफिला में, जिसमें कि उसको वाइट आई म्यूटेंट मिला ड्रोसोफिला के, और उसके बाद डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन जो वो डिटेक्ट किए। और अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म म्यूटेशन जो सबसे पहले क्वाइन की थी आपके हुगो डी वरिस्ट, और सबसे पहले म्यूटेशन डिस्कवर की गई थी राइट के द्वारा 1791 में, टर्म दी आपकी हुगो डी वरिस्ट राइट। नेक्स्ट पॉइंट है
द फर्स्ट लैब फॉर द सी टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, वो कब इस्टेब्लिश की गई थी, कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, जो फर्स्ट लैब है फॉर द सी टेस्टिंग के लिए कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, इन थ्रेंटन, इन सैक्सोनी जर्मनी में, कब, 1869 में, ठीक है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ फ्रेडरिक नोवे। नेक्स्ट इज जो इंटरनेशनल सी टेस्टिंग एसोसिएशन है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1924 में, कहाँ पे, नॉर्वे में। नेक्स्ट इज जो सीड प्रोडक्शन है टेम्परेट वेजिटेबल वैराइटीज की ये स्टार्ट हुई थी क्वेटा जो कि अभी पाकिस्तान में है इन 1942 में, एज द सीड सप्लाइज वर कट ऑफ ड्यू टू द वर्ल्ड वार टू। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा द सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट द सेंट्रल वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन कटराइंग कुल्लू वैली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब, इन 1949 में। तो जो सेंट्रल वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन है कटराइंग कुल्लू वैली में कब इस्टेब्लिश हुआ, 1949 में। नेक्स्ट इज जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है ये कब इस्टेब्लिश हुई, 1963 में, टू डेवलप इंडियन सीड इंडस्ट्री। उसके बाद 1967 में जो फर्स्ट हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में वो इस्टेब्लिश की गई ICR के द्वारा, और उसका नेम क्या था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, 1967 में। नेक्स्ट पॉइंट इज जो फर्स्ट इंडियन वेजिटेबल हाइब्रिड है वो कौन सा था, पूसा मेघदूत, किस क्रॉप में रिलीज किया गया, बोटल गोर्ड में, राइट, 1973 में बाय IRI न्यू दिल्ली के द्वारा। देन इन 1974 में जो नेशनल सीड प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, टू डेवलप सीड प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हमें पता है दो प्रकार की होती है, वन इज पोरोफिटिक, वन इज गैमेटोफिटिक। तो जो गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी है ये सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी किसके द्वारा, ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ के द्वारा, कब, 1925 में, इसमें निकोशियाना सेंड्रेई प्लांट में, राइट। तो ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ ने 1925 में गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी रिपोर्ट की थी निकोशियाना में। गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है दैट इज गवर्न्ड बाय मल्टीपल एलील्स ऑफ एस जीन पोलन, राइट, सिंगल एस लोकस विद मल्टीपल एलील्स, स्पोरोफिटिक भी सिंगल एस लोकस विद मल्टीपल एलील्स के द्वारा गवर्न होती है। और जो गवर्न गैमेटोफिटिक की जब हम बात करते हैं तो 21 मल्टीपल एलील्स जो वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर एक्शन एंड दे डू नॉट शो एनी डोमिनेंस रिलेशनशिप। मतलब ये जो अलील है इंडिपेंडेंट है अपने एक्शन में और कोई डोमिनेंट रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं, जबकि स्पोरोफिटिक के केस में ये जो अलील है डोमिनेंस रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि S1 जो होगा ग्रेटर देन S2 एंड ग्रेटर देन S3 होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्साइसिन जो है दैट इज अ मेजर एल्केलॉइड है चिल्लीज में, जो कि क्या करता है, स्पाइसी एंड हॉट फ्लेवर रेंडर करता है, कोज करता है। जो स्पाइसी और हॉट फ्लेवर होता है कैप्सिकम में चिल्लीज में किस वजह से होता है, कैप्साइसिन की वजह से होता है, राइट। और ये जो कैप्साइसिन है मॉलिक्यूल ये कैसे बनता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू मॉइटीज। जो कंडेंसेशन होती है टू मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, वेनिलमाइन एंड 8-methyl-6 नॉन इनोइक एसिड COA, राइट। और ये जो पनबन जीन है, इनफैक्ट जो पनबन जीन है दैट इंड्यूस्ड सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्साइसिन एक्युमुलेशन इन द पंजेंट कल्टीवार्स में। और जीन कौन से रिस्पॉन्सिबल है पंजेंसी के लिए, पनबन जीन है। नेक्स्ट इज जीनोम एडिटिंग टूल्स इंक्लूडिंग, अब जीनोम एडिटिंग टूल कौन कौन से हैं, मेगा न्यूक्लियसिस, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस यानी कि टेलन, एंड क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यानी कि क्रिस्पर सिस्टम। तो ये सभी क्या है, जीनोम एडिटिंग टूल्स है, राइट। नेक्स्ट इज पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम जिसका बोटेनिकल नेम है, दिस इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्टेपल फूड है आफ्टर मेज बीट एंड राइस। नेक्स्ट पॉइंट है अब पोटैटो की इंपोर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टेंट स्टेपल क्रॉप है, तो इन इसकी जो रोल है इन द ग्लोबल फूड सप्लाई में, ठीक है, दैट हैज बीन अचीव्ड बाय रेफ्रिजरेशन दैट एक्सटेंड्स पोस्ट हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ बाय इनहिबिटिंग स्प्राउटिंग ड्यूरिंग द स्टोरेज। अब पोटैटो में स्टोरेज में स्प्राउटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटैटो को कोल्ड स्टोरेज करते हैं, हम रेफ्रिजरेशन स्टोरेज करते हैं, ठीक है,
जिससे क्या होता है, स्प्राउटिंग इनहिबिट होती है और पोटैटो की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है ये क्या करती है, इट स्टिमुलेट द अकोमुलेशन ऑफ रिड्यूसिंग सुगर्स, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनकी अकोमुलेशन हो जाती है कोल्ड ट्रीटमेंट से, राइट। दैट कॉजेज एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ए पोटेंशियल कार्सिनोजेन कंपाउंड एक्राइलमाइड, जिससे कि क्या होता है कि एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनता है एक्राइलमाइड पोटैटो में, राइट। कैसे, बाय रिएक्टिंग विद फ्री अमीनो एसिड्स व्हेन प्रोसेस्ड अंडर हाई टेम्परेचर, दैट इज ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। अब कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम क्या आई, स्प्रोटिंग तो इनहिबिट हो रही है बट उससे जो रिड्यूसिंग शुगर एक्युमुलेशन है जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये बढ़ने लगा पोटैटो में, जो कि क्या करता है कि एक कार्सिनोजेन कंपाउंड बनता है एक्राइलमाइड। कैसे, बाय रिएक्टिंग विद फ्री अमीनो एसिड्स व्हेन प्रोसेस्ड अंडर हाई टेम्परेचर, जब हम कुकिंग करते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो रिड्यूसिंग शुगर बनते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, टू अवॉइड दिस द VLNB जीन, ठीक है, एनकोडिंग फॉर बैक्यूलर इन्वर्टेज, जो कि बैक्यूलर इन्वर्टेज जीन है, इसको क्या किया गया, जो कि क्या करता है, एक्चुअली ये बैक्यूलर इन्वर्टेज जीन है, ये कैटलाइज करता है ब्रेक डाउन ऑफ सुक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यही जीन जो होता है बैक्यूलर इन्वर्टेज, ये क्या करता है, जो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं उसको बढ़ाता है, कैटलाइज करता है उस रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, ये जो जीन है बैक्यूलर इन्वर्टेज वाला, इसी को ही नॉक आउट कर दिया गया, कैसे, बाय जीनोम एडिटिंग टूल्स, कौन सा जीनोम एडिटिंग टूल, टेलन के द्वारा, राइट। अभी ये जो VLNB नॉकआउट पोटैटो है जिसमें कि ये जीन साइलेंस किया गया है, इसकी जो वैराइटीज हैं दे आर कमर्शियल प्रोड्यूस्ड बाय जो सेल्टिस प्लांट साइंसेस कंपनी है उसके द्वारा विथ अनडिटेक्टेबल लेवल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें कि रिड्यूसिंग शुगर का लेवल बहुत ही नेग्लिजिबल है इन द ट्यूबर्स एंड दिस इज रिड्यूस्ड लेवल ऑफ एक्राइलमाइड इन द प्रोसेस प्रोडक्ट, इसलिए जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उसमें भी जो एक्राइलमाइड कार्सिनोजन है उसका भी लेवल जो है वो दैट इज डिक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द पोटैटो ट्यूबर्स एक्यूमुलेट स्टीरोइडियल ग्लाइकोएल्कलॉइड। अब पोटैटो ट्यूबर्स में एक ग्लाइकोएल्कलॉइड भी एक्यूमुलेट होते हैं, कौन कौन से हैं, अल्फा सोलेनिन एंड अल्फा चैकोनिन। तो अल्फा सोलेनिन और अल्फा चैकोनिन जो है वो दो इंपॉर्टेंट ग्लाइकोएल्कलॉइड है पोटैटो में, जो कि क्या करते हैं, विच कॉजेज बिटर टेस्ट एंड दे एग्जिबिट टॉक्सिसिटी अगेंस्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज जो क्रिस्पर कैस9 मीडिएटेड म्यूटेशंस हैं इन द फाइटोइन डीसैचुरेज जीन एनकोडिंग ए की एंजाइम द कैरोटीनॉइड सिंथेस कॉज द एक्सपेक्टेड एल्बिनो फिनोटाइप इन द वाटरमेलन प्लांट्स, राइट। जो क्रिस्पर कैस9 जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स के द्वारा म्यूटेशन कॉज की गई किसमें, जो फाइटोइन डीसैचुरेज जीन है जो कि कैरोटीनॉइड बायोसिंथेसिस पाथवे का इंपॉर्टेंट जीन है, इसमें जब म्यूटेशन कॉज की गई इस क्रिस्पर टूल के द्वारा तो जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप आया एल्बिनो फिनोटाइप आया वाटरमेलन प्लांट्स में। नेक्स्ट इज बेस एडिटर्स अचीव, जो बेस एडिटिंग करते हैं जो भी एक जीनोम एडिटिंग टूल्स का पार्ट है कंपोनेंट है, राइट। तो जो बेस एडिटर क्या करते हैं, दे अचीव C2A और A2G बेस सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें, राइट। C2T और A2G बेस सब्स्टिट्यूशन होती है एट द टारगेट न्यूक्लियोटाइड्स विदाउट रिक्वायरिंग डबल स्टैंड ब्रेक्स और ए डोनर टेम्पलेट। तो जो बेस एडिटिंग है उसमें ना तो हमें डबल स्टैंड ब्रेक की जरूरत होती है ना डोनर टेम्पलेट की जरूरत होती है, बल्कि सिंपल जो बेस एडिटर होते हैं वो क्या करते हैं, C2T या A2G बेस सब्स्टिट्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंजो स्केल इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है किसका, एप्पल का और पियर का, बट ये दूसरी क्रॉप्स जो हैं जैसे कि स्वीट चेरी, पीच, प्रून एंड अदर ट्री फ्रूट जो है उनको भी अफेक्ट करता है, राइट। तो एक इन्फेस्टेड एप्पल में दैट कैन हैव 1000 और मोर सेंजो स्केल ऑन इट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्वांटिटी में ये अटैक करते हैं, राइट। और इसके लिए सेवरल पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स अटैक सेंजो स्केल, बहुत सारे पैरासाइट या प्रीडेटर जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि सेंजो स्केल पे अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो वाशिंगटन में जो पैरासिटोइड्स हैं रिकॉर्ड किए गए हैं सेंजो स्केल के लिए कौन कौन से हैं, जैसे कि एनकार्सिया परनीसियोसी एंड एफाइटिस स्पीसीज, तो ये दोनों क्या है, पैरासिटोइड है किसके, सेंजो स्केल के। नेक्स्ट इज हनी क्रिस्प, हनी क्रिस्प जो किसकी वरायटी है, दिस इज ए इमर्जिंग एप्पल कल्टीवार है विद इज इंक्रीज इंपॉर्टेंस इन द नॉर्थ अमेरिका, क्यों, ड्यू टू इट्स आउटस्टैंडिंग फ्लेवर एंड टेक्सचरल ट्रेड्स। तो हनी क्रिस्प एप्पल का इंपॉर्टेंट कल्टीवार है जो कि अभी क्वाइट पॉपुलर हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, किस वजह से, ड्यू टू इट्स आउटस्टैंडिंग फ्लेवर एंड टेक्सचर की वजह से।
और हनी क्रिस्प जो एक्चुअली इट कैन मेंटेन इट्स क्रिस्पनेस फॉर 6 to 9 months इन द स्टोरेज, तो लगभग 6 से 9 months के लिए स्टोरेज कंडीशन में भी इसकी जो क्रिस्पनेस है वो मेंटेन रहती है, हनी क्रिस्प जो कल्टीवार है एप्पल का। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्चुनेटली जो मेलस्ट्राई लाइन है वो टेगेटिस इरेक्टा मैरीगोल्ड जो है उसमें मेलस्टिलिटी होती है, तो उसकी जो मेलस्ट्राई लाइन है दे आर फाउंड इन द नेचर इन विच जिसमें क्या होता है जो पेटल्स होती हैं ऑफ द फ्लोरेट्स दे डेवलप इनटू फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स और जो स्टेमन होते हैं दे बिकम येलो फिलामेंट्स विथ नो पोलन फॉर्म्ड राइट। जो डिजर्नेशन होती है ऑफ द पेटल्स की एंड स्टेमन्स की दैट इज सीम्स टू बी ए परफेक्ट ट्रेट फॉर द पोलिनेशन कंट्रोल एंड द मेल स्ट्राइल लाइन्स ऑफ टेगेटिस इरेक्टा दे हैव बीन यूटिलाइज्ड सक्सेसफुली फॉर द कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए राइट। तो जो मैरीगोल्ड है आपका टेगेटिस इरेक्टा उसमें जो मेल स्टेटी होती है जिसमें कि क्या होता है कि पेटल्स और स्टेमन डिजर्नेट हो जाते हैं राइट, तो एक तरह से हमें जेनेटिक सिस्टम मिल जाता है हाइब्रिड बनाने के लिए। और इट इज इंडिकेटेड डैट जो मेल स्टेटी होती है टेगेटिस इरेक्टा में वो दैट इज प्रोबेबली कोज्ड बाय कैसे होमियोटिक कन्वर्जन हो जाता है स्टेमन्स का किसमें इंटू द फ्लोरल ऑर्गन स्ट्रक्चर्स दैट इज जो करस्पॉन्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ मेल ऑर्गन अबनॉर्मेलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन द ABCDE मॉडल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट, जो क्लासिकल ABCDE मॉडल है फ्लावर ऑर्गन डेवलपमेंट का ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो होम्योटिक कन्वर्जन होता है फ्लोरल ऑर्गन का वो किस कारण होता है डेट इज मेनली ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ मैट्स बॉक्स जीन, कौन से ABCDE क्लास जीन्स जो है ABCDE मॉडल के जो जीन्स हैं ABCDE क्लास वाले जीन्स जो हैं इनमें अगर म्यूटेशन होती है तो क्या होता है कि होमियोटिक कन्वर्जन हो जाता है फ्लोरल ऑर्गन्स का जिसकी वजह से डिफरेंट अबनॉर्मेलिटीज आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जो एस्टिमेटेड जीनोम साइज है कार्नेशन का कितना है 670 MB है राइट, तो दिस इज स्मॉल है एज कम्पेयर्ड विद दोज ऑफ अदर ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, जैसे कि रोजा हाइब्रिडा की बात करें तो उसका है 1.1 GB, एंटी राइनम मेजेस की बात करें उसका है 1.5 GB, पेटोनिया हाइब्रिडा की बात करें 1.6 GB है, क्राइजेंथिमम मोरिफोलियम की बात करें तो उसका 9.4 GB है, और अगर हम टुलिपा की बात करें तो उसका 26 GB है। तो आप देख सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में जो कार्नेशन का जीनोम है जीनोम साइज है वो बहुत ही स्मॉल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कार्नेशंस कैरिंग ए रिसेसिव आई जीन, अगर आई जीन जो है रिसेसिव फॉर्म है कार्नेशन में तो दे शो अक्यूमुलेशन ऑफ द येलो पिगमेंट, येलो पिगमेंट होती है उसमें ठीक है CH2G राइट इन द फ्लावर्स, बट अगर डोमिनेंट कंडीशन में है आई जीन तो दे शो द अक्यूमुलेशन ऑफ रेड पिगमेंट एंथोसाइनिन ठीक है। तो रिसेसिव कंडीशन में होगा आई जीन अगर कार्नेशन में तो येलो पिगमेंट बनेगी, अगर डोमिनेंट कंडीशन में होता है आई जीन तो देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ रेड पिगमेंट विच इज एंथोसाइनिन। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 42nd पपाया, जो कि बोटेनिकली कैरिका पपाया होता है, एक फास्ट ग्रोइंग शॉर्ट लिव्ड ट्रॉपिकल ट्री है जो कि कल्टीवेट किया जाता है मेनली इसके फ्रूट के लिए पेपाइन कंटेंट निकलता है पेक्टिन एंड एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस के लिए ठीक है। तो पपाया में 3 sex types ऑफ पपाया आर नाउन, पपाया में 3 sex types हैं मेनली फीमेल मेल एंड हर्माफ्रोडाइट ट्रीज होते हैं राइट। जो बाइल पॉपुलेशन होती हैं मोस्ट इंडिविजुअल्स आर डाइक्रीनस यानी कि डायोशी होती है, जो बाइल पॉपुलेशन है पपाया की वो मेनली डायोशीस है नेचर में, जबकि अगर हम कल्टीवेटेड पपाया की बात करें तो वो डायोशियस और हर्माफ्रोडाइट दोनों हैं राइट। और जो मेल एंड हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल्स हैं उसमें जो सेक्स फॉर्म है दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्लाइटली डिफरेंट बाई क्रोमोसोम रीजन, जैसे अगर हम बात करें तो बाई एच जो होगा दैट इज हर्माफ्रोडाइट होंगे एंड बाई जो होगा वो मेल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पपाया इज नोन एज वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेनिक कल्टीवार टू हैव बीन रिलीज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इन हवाई इन USA राइट इन 1998 में बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द USA राइट। और ये जो ट्रांसजेनिक वैरायटी थी ये डेवलप की गई थी पपाया रिंग स्पॉट वायरस को कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, और जो दो वैरायटीज डेवलप की गई थी जैसे कि रेनबो एंड सनअप। नेक्स्ट पॉइंट द कीवी फ्रूट क्रॉप इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पोलिनेशन एज द प्लांट्स आर फंक्शनली डायोशियस, अब कीवी फ्रूट जो होता है वो डायोशियस इन नेचर में होता है और इफेक्टिव पोलिनेशन के लिए इसमें क्या करते हैं हम वन मेल प्लांट इज प्लांटेड फॉर एवरी 9 pistillate plants राइट, तो हर 9 female plant पे हम एक मेल प्लांट लगाते हैं कीवी में यानी कि 1:9 ratio में मेल इज टू फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट इज
सपोटा फ्रूट्स आर हाईली पेरिशेबल होते हैं, क्यों? ड्यू टू देयर क्लाइमेट्रिक नेचर। तो सपोटा जो है वो हाईली पेरिशेबल होता है नेचर में और एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, राइट। और ये जो रैपिड सॉफ्टनिंग होती है सपोटा फ्रूट्स की, वो मेनली किस कारण होती है? ड्यू टू हाई एक्टिविटी होती है ऑफ मैनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एंड लिबरेशन ऑफ इथाइलिन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज एंथ्रेक्नोज, विच इज कॉज बाय क्लेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरोइडिस एंड ओकेजनली क्लेटोट्राइकम एक्यूटेटम, जो एक मेजर फंगल डिजीज है, किसकी? मैंगो की, ठीक है। तो एक मेजर पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज भी है मैंगो में, जो एंथ्रेक्नोज है, राइट। जो मेजर लॉसेज अक्कर होते हैं इसमें मेनली फ्लावरिंग से लेके फ्रूट से तक, और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद भी, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट में भी ये अफेक्ट करता है एंथ्रेक्नोज मैंगो में। इसके सिम्टम की बात करें तो संकन ब्लैक स्पॉट अपीयर होते हैं फ्रूट्स के सरफेस के ऊपर राइपनिंग के टाइम में, और डिजीज जो होती है मेनली ज्यादा इफेक्टिव है या ज्यादा सीवियर फॉर्म में होती है फॉलोइंग द पीरियड्स ऑफ बैड वेदर में। नेक्स्ट इज मैंगो इनफ्लोरिसेंस मिर्च। मैंगो इनफ्लोरिसेंस मिर्च मैंगो का एक इंसेक्ट है जिसका नाम होता है एरोसोमिया इंडिका, ठीक है। तो ये मिर्च क्या करता है, डैमेज करता है मैंगो को तीन तरीके से। या तो ये फ्लावर बर्ड्स होती हैं उनको अटैक करता है, या एक जब फ्रूट सेट हो रहे हैं उस टाइम अटैक करता है, और जब नए लीव्स अपीयर होते हैं नियर द फ्लावर उस टाइम अटैक करता है, राइट। मिर्च क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है इनफ्लोरिसेंस को बिफोर फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग से पहले। तो इसके लिए मैंगो इनफ्लोरिसेंस मिर्च। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 48 बनाना में, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो बनाना को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है आपका नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस भी एंड पोटेशियम की, इन ऑर्डर टू अपटेन हाई यील्ड। ओके, अब इसमें पोटेशियम का बहुत ज्यादा रोल होता है बनाना में, क्योंकि पोटेशियम जो होता है दैट इज इम्पोर्टेंट है इन कैटालाइजिंग क्रिटिकल रिएक्शंस, जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, वाटर रेगुलेशन में इसका रोल है। उसके बाद पोटेशियम जो है दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल इन वाटर रिलेशंस में एंड इन द ट्रांसपोर्ट एंड एक्युमुलेशन ऑफ सुगर्स इन द प्लांट में। उसके बाद एडिक्वेट सप्लाई होगी अगर पोटेशियम की तो बनाना में देर इज इंक्रीज इन विगर एंड डिजीज रेजिस्टेंस भी होती है, और इसके साथ फ्रूट वेट भी इंप्रूव होता है एंड देर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फिंगर्स पर बंच, राइट, एंड एज वेल एज द वेट एंड डायमीटर ऑफ द मिडल फ्रूट भी बढ़ता है। तो पोटेशियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपका बनाना में। नेक्स्ट पॉइंट इज डी नेबलिंग इन बनाना। डी नेबलिंग जो एक इंपॉर्टेंट इंटरकल्चरल ऑपरेशन है आपका बनाना में, डी नेबलिंग। इसमें क्या करते हैं, डी नेबलिंग मतलब रिमूवल ऑफ मेल बड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज इज नोन एज डी नेबलिंग, ठीक है। और दिस चेक्स द मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द अनवांटेड सिंक एंड प्रमोट्स द फ्रूट डेवलपमेंट। डी नेबलिंग इसलिए करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस एनर्जी है वो किसी अनवांटेड सिंक में ना जाके फ्रूट डेवलपमेंट में उसका पूरी तरह चैनलाइज हो। तो डी नेबलिंग बनाना में मतलब रिमूवल ऑफ मेल बड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज इज नोन एज डी नेबलिंग इन बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 50th पॉइंट, बिटर पिट जो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एप्पल का, जो कि मेनली होता है आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी से इन द फ्रूट एज इट मैच्योर्स, जब ये मैच्योर होता है, राइट। इट कैन डेवलप विद इन द फर्स्ट मंथ और द टू ऑफ द कोल्ड स्टोरेज एज वेल एज ऑन द ट्री बिफोर द हार्वेस्ट। तो जो कोल्ड स्टोरेज जब हम एप्पल को रखते हैं फॉर द फर्स्ट वन और टू मंथ में भी ये डेवलप होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टोरेज डिसऑर्डर भी है। और यह ट्री में जब हार्वेस्टिंग से पहले जब फ्रूट्स ट्री के ऊपर होते हैं उस टाइम भी इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, राइट। तो जो लो लेवल ऑफ कैल्शियम होता है फ्रूट में वो मेनली किस कारण होता है, कंपटीशन की वजह से होता है, ड्यू टू कंपटीशन विद शूट्स और हाई फ्रूट लोड, मतलब शूट्स और फ्रूट लोड के बीच में कंपटीशन होता है फॉर द कैल्शियम के बीच में, फॉर कैल्शियम के लिए, जिसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, राइट। बीच में भी एग्रेवेटेड, जो कि फर्दर एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है कंपटीशन बाय द वेदर कंडीशन, जैसे कि अगर हॉट ड्राई वेदर होता है जुलाई और अगस्त मंथ में, डेट टेंड्स टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ बिटर पिट। तो हॉट एंड ड्राई वेदर जो होगा तो बिटर पिट इंसिडेंस ज्यादा होगा। इसके बाद इररेगुलर इरीगेशन होगी, उसकी वजह से भी बिटर पिट इंसिडेंस ज्यादा होता है आपके एप्पल में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर एनवी, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईसीएस जेआरएफ या एसआरएफ एग्जाम्स के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।